अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, तो आर्टिकल 12 से 35 में आपको दिखेगा ये फंडामेंटल राइट्स, और इसमें आप देखेंगे कि पार्ट 3 में है, ठीक है। सारे सिटीजन्स को गारंटी होता है ये, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, कुछ तो फॉरेंस वालों को भी मिल जाता है। और इसमें 6 ब्रॉड कैटेगरीज है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये मेन कैटेगरीज हैं, और इसमें आर्टिकल 14 में आपको दिखेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। हालांकि इसमें भी पार्ट्स हैं बहुत सारे, पर हम लोग बेसिक अभी देख लेते हैं। आर्टिकल 15 में आप देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये बेस्ड है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे, कि इस बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि एक दो इसके एक्सेप्शंस हैं, तो वो अपन डिटेल में देखेंगे बाद में। इसके बाद है आर्टिकल 16, और इसमें है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, और ये सब राइट टू फ्रीडम में आ गए हम, ठीक है। तो इसके बाद है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद है कि फ्रीडम कौन कौन सी मिलती है, तो अब देखिए फ्रीडम है इसमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। फिर आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 में है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। आर्टिकल 29 में है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और 32 में है रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, प्रोवाइड्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एफआरएस। अब कुछ रिट्स हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कुछ रिट्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरेरी और क्यो वारंटो। हीबस कॉर्पस क्या है, प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, मतलब अगर आपको डिटेन कर लिया गया है गलत तरीके से, तो कोर्ट एक रिट जारी करेगी हीबस कॉर्पस की आपको प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में, ठीक है। मैंडेमस क्या होता है कि कोई अगर पब्लिक ऑथोरिटी है जो अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको कमांड करेगा कोर्ट कि आप जाओ और काम करो, ठीक है, ड्यूटी ठीक से करो। प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन है कि कोई पर्टिकुलर केस अगर चल रहा है तो कोर्ट जो है प्रोहिबिट करेगी, ऑर्डर देगी कि उसको आप रोक दो, उसको ऑर्डर को चेंज करेगी, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर कोई गलत ऑर्डर आ गया है या गलत केस चल रहा है तो एक तरह से प्रोहिबिट करती है, रोकती है, ठीक है। सर्टियोरेरी क्या है कि अगर कोई नीचे का कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो क्या करेगी, उसको उसके डिसीजन को क्वैश करेगी, डिसीजन को रोक देगी या बदल देगी, ठीक है, क्वैश इज द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। और को वारंटो क्या है कि अगर कोई इंसान अनलॉफुली कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, तो उस केस में जिसके पास राइट नहीं है, वो क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, तो उस केस में ये रिट जारी होता है और उसको फिर हटा दिया जाता है वहाँ से। अच्छा, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आर्टिकल 51A में है, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो हुआ था, बहुत ही मेजर अमेंडमेंट एक्ट था, इसी के तहत जो है इसको ऐड किया गया था। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और इसमें देखिए सब लिखा हुआ है आपको, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सेक्युलरिज्म, सोशल हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल, प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, राइट टू वोट, सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, साइंटिफिक टेम्पर, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग नेचुरल इन्वायरमेंट, और इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है।
इसके बाद है इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन। तो ये एक तरह से लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन हाँ कहता है कि आप इसको फॉलो करें। कंप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स भी मिला है तो साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं आपके लिए जो आपको करनी चाहिए। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो जो सिटीजन्स है तो एक सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में कन्वर्ट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया एक माइंड मैप है ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो एक बार रिविज़न, क्विक रिविज़न के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।